तो आज हम गए थे इनको शूज़ दिलाने के लिए मिस्टर तुराफ को, तो इनको शूज़ का ही समझ में नहीं आ रहा, तो एक जगह से ले लिया तो कहने लगा ले तो रही हो, हम घर चल के पहनेंगे नहीं, तो ये आगे से खुले वाले चाहिए थे, 12 फात है ना, तो इसलिए इनको तो काफ़ी उससे इनको हर चीज़ को कपड़े में हर चीज़ को नई नई चाहिए रही थी, पगड़ी भी रोशनी आ दी अलग कुर्ता और वाले दिन अलग कुर्ता, तो यहाँ पे लाइट्स ले रही थी चाची, तो यहाँ पे प्यारी प्यारी सी लाइट्स थी, तो मैंने सोचा आपको दिखा देते थी में से कैप, जहाँ पर पता है ऐसा मोमेंट्स होता है कैप्चर करने का, तो वहाँ पर फटाफट ही कैप्चर करते, वरना मैं पब्लिक प्लेस पे कैमरा नहीं दिखाती, अच्छा नहीं लगता है। ये प्यारा सा झूमर तो देख रहे हैं आप, बोलेंगे कि ये लिया था चाची ने लगाने के लिए, तो यहाँ पे कैंडल्स प्यारी प्यारी सी कैंडल्स थी इलेक्ट्रिक वाली, तो यहाँ पे हम लोग वेस्टर्न रोड गए थे ना, वहाँ पे थोक का मिलता है, और आगे देखिए हुजूर की शान में, खोल हम गए थे अपनी फ्रेंड के घर, तो वहाँ से हमने खड़े होकर इतनी सारी वीडियोस आप लोग के लिए बना ली, तो काफ़ी लोग बहुत जो लोग बाहर रहते हैं जो मतलब इंडिया से बाहर हैं उन लोग को ये सब नहीं देखने को मिलता होगा इंडिया के फेस्टिवल्स, तो मैंने सोचा आप लोग से शेयर कर देते हैं, और सबने अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का बहुत अच्छा सा त्यौहार गया, उम्मीद नहीं थी उससे अच्छा गया, अल्लाह बस बारिश हो रही थी लेकिन अब क्या करा जाए, सब लोग घूम रहे थे अच्छे से, सारी औरतें भी घूम रही थी, खूब लंगर हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह जुलूस भी निकला, अब जो अल्लाह बेहतर करता है वही होता है ना, तो हम लोग को तो उम्मीद नहीं थी कि जुलूस भी निकलेगा, लेकिन हुजूर की शान में एक जुलूस ना निकला तो फ़ायदा ही क्या है फिर, तो सब ने खूब अच्छे से जुलूस भी निकाला और हमारा खूब अच्छे से फेस्टिवल में अल्हम्दुलिल्लाह, तो कैसे ना होता कि हमारे हुजूर की शान में हम थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं, उसमें भी ना करें तो क्या फ़ायदा हमें उम्मती होने का, तो बस बड़ा घमंड है हम लोग को जो बात है, हम लोग मुस्लिम हैं, काफ़ी अच्छा लगता है कि इतने प्यारे प्यारे फेस्टिवल हमारे होते हैं अपने हुजूर के लिए, हम थोड़ी सी
तिलावत कर लेते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से लंगर हो रहा था, और मैंने सोचा आप लोग से शेयर कर देते हैं। मोदी ने निकलने नहीं दिया, मोदी में निकलने नहीं दिया, इतना प्यार है तो आर उन्होंने निकलने दिया। आप सब जान सकते होंगे कि यहाँ पे आपका बहुत फैली हुई है। आप जान सकते कल जो हमने वीडियो बनाई थी आपको पसंद जरूर आएगी। लाइक दिए, शेयर करिए वीडियो को, वीडियो को बहुत आगे जो 50,000 लाइक कर दो। आसन गुंगा में चौथे पार्ट में। तो ये मेरी भांजी जो आई हुई थी, तो मैंने सोचा कुर्ता उर्ता पजामा पहन के, तो हमने सोचा कि लो वीडियो बना लेते हैं। मेरी कज़िन की बेटी है तो वो आई हुई थी, मैं अच्छा लग रहा था, इसकी सूट काफ़ी छोटी थी, शेरवानी, बच्चे ये सब कपड़ों में अच्छे लगते हैं, काफ़ी अच्छे से क्लिप व्लिप तैयार होकर। शुरू शुरू में सबको शौक होता है, बाद में जब ज़्यादा बच्चे बड़े होने लगते हैं ना, अपने आप से क्लिप व्लिप निकाल के फेंकने लगते हैं। तो दी आपको जुलूस की झलक। तो यहाँ पे हम फातह के लिए खीर बना रहे थे, मुगलाई और अफगानी चिकन हमारा बन के रेडी हो गया था। तो ये देखिए हमने यहाँ पे चावल को बना लिया था, चावल बनते बिना नमक के, उसको हमने खूब घोट लिया है। इधर हमारा दूध चढ़ा हुआ है, और यहाँ थोड़ी सी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, 15-20 मिनट की हो रही, तो मैंने कट करके तो वीडियो बनाई और आपको एक झलक जुलूस की भी दिखा दी। और यहाँ पे हमने दूध में हमने खूब बॉइलिंग ले लिया, उसके बाद हमने ये चावल हमारे पके हुए चावल थे तो वो पके हुए चावल को डाल दिया। इसके बाद हम इसको धीमी धीमी आंच में खूब अच्छे से पका लेंगे, हमारे चावल बिल्कुल अच्छे से गल जाएँ, ठीक है। इसमें हम डाल दिया है फूड कलर, और इसके बाद हम डालेंगे केवड़ा वाटर, ये भी हमने डाल दिया खूब अच्छे से, इसको हमें मिक्स करना है। खीर जब तक धीमी धीमी आंच पे, मैं 300 पे रख दिया था, धीमी धीमी आंच पे बनती रहेगी। तो इधर हमने डाल दी थी इलायची और ये चावल देखिए, फिर उसके बाद हमने मखानी से उठा घोट देंगे। हमारी खूब अच्छी सी हमारी खीर रेडी हो गई थी, और हमने अफगानी चिकन बना लिया था, बिरयानी का दिल नहीं चाह रहा था, और ये हम ड्राई फ्रूट भी डाल दिए। बिरयानी परसों तक तो बिरयानी खाई गई, तो हमने अम्मी से कहा अफगानी चिकन बना लो, रोटी घर पे बना लेंगे। बाहर की रोटी पाते हैं हमें अच्छी लगती नहीं है, पता नहीं कैसे हाथ लगे कैसे नहीं लगे होते हैं। यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिया है, तो इसीलिए हमने घर पे ही रोटी बना ली थी, और बघार के चावल बनाए थे पुलाव वाले, काफ़ी अच्छे से फातिया हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और बस ये हमने सोचा कि आप लोग से वीडियो शेयर कर देते, जो लोग हमारे बाहर से देख रहे हैं उनको ये फेस्टिवल्स हमारे इंडिया के बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे। तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा सा करके आपको जुलूस की भी झलक दिखा देते हैं, रोशनी की भी झलक दिखा देते हैं। तो बस ये था आज का ब्लॉग, आई होप आप लोग को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो इधर हमने शुगर भी डाली, और इधर अपने ब्लॉग भी बने, इधर हमारी रेसिपीज भी चालू हैं, तो इधर शुगर भी डाल दी, ड्राई फ्रूट भी डाल दिया, बड़ा ऐसा हमारा कलर आ गया था पीला पीला सब, धीमी धीमी इसमें इसको पकाएंगे। तो बस हमारी फातिहा भी हो गई थी, उसके बाद हमने सोचा कि आपको अफगानी चिकन भी दिखा देते हैं। ये वाला हमने अफगानी चिकन बनाया था, बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमने बनाई थी खीर, जो कि खीर आरी खीर तो बढ़ गई थी, और ये हमारी खीर जो फातिहा वाली ये रखी हुई थी। और फिर हमने उसके बाद हमने चावल वाले बघारे के बनाए थे, तो ये थे यम्मी यम्मी से चावल। अगर चावल बच गए तो एक और डिश बन जाएगी, इससे चावल का काफ़ी सारे चावल हो जाते हैं ना, इतने से चावल भिगो ये बार इतने से हो जाते हैं। देखिए आगे चल के जुम्मू काफ़ी पसंद आएगा आपको।